ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਵੋ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰੀ ਟੀਵੀ ਕੀ। ਇਸਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ उनको बैन कर दिया गया। ये बात गलत है। मीडिया पे पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया को अपना काम जो करने देना चाहिए। सरकार से सवाल पूछने का मतलब कोई देशद्रोह करना नहीं होता है। देखिए सर, जथेदार साहब, जिस तरह से आज जो पूरे तलवंडी साहब में माहौल देखा गया, खबरें चली कि जी अमृतपाल जो है वो यहाँ पे सरेंडर कर सकता है, कल फ्लैग मार्च हुआ यहाँ पर, हर तरह की यहाँ पे पुलिस फोर्स हमने बाहर देखने को मिली। आपने कहीं अमृतपाल सिंह देखा यहाँ पे? ये सब फेक जो न्यूज़ है वो चलाई गई है। एक बेवजह पैनिक क्रिएट किया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट खालसा साधना दिवस होता है। लाखों की तादाद में सिख संगत जो है वो आती है। कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है ये बात डालने का जतन किया जा रहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, शांति है और शांति है। एक ग्रुप बनाने की बात आपने कही है, कैसे ग्रुप बनेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? हम जो जो प्रेस की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं उन सभी को शामिल। अच्छा जतेदार साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए, जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है? आपने अपील भी की थी? देखिए, मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए।